आज देश के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की संयुक्त याचिका पर दोनों पक्षों की बहस सुनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की ओर से स्पष्ट तौर से हमने फिर दोहराया कि महाराष्ट्र में प्रजातंत्र की हत्या हुई है और जनादेश को धूमिल कर संविधान को पांव तले रोन दिया गया है और एक नाजायज भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार जी की अल्पमत वाली सांझी सरकार वहां बनाई गई है। इसलिए अनुरोध किया गया उच्चतम न्यायालय को हमारे पक्ष की ओर से के एक फ्लोर टेस्ट यानी जनमत को साबित करने के लिए विधायकों की संख्या का टेस्ट फौरी तौर से ऑर्डर किया जाए ताकि ये साबित हो जाए कि बहुमत महाराष्ट्र के विकास के गठबंधन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन के पास है। सुप्रीम कोर्ट को हमने 154 विधायकों के शपथ पत्र भी दिखाए जो ये साफ साबित करता है कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के पास संपूर्ण बहुमत है, क्योंकि वो आंकड़ा 145 का है और 154 विधायक साथ हैं। जैसे ही बाकी विधायक भाजपा की जेल से छूट जाएंगे तो ये संख्या और बढ़ने वाली है। आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस को सुनकर मामला आरक्षित किया है और ये निर्णय कल 10:30 बजे वो सुनाएंगे, ऐसा उन्होंने आदेश दिया है। कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, हमारे गठबंधन को ये विश्वास है कि महाराष्ट्र में जनमत की जीत होगी, महाराष्ट्र में प्रजातंत्र की जीत होगी। भाजपा और अजीत पवार के समेत वो सारी ताकतें जिन्होंने प्रजातंत्र को पांव तले रौंदा है, जनमत का अपहरण किया है, चीरहरण किया है, संवैधानिक संस्थाओं के की गरिमा को धूमिल किया है, उनको फ्लोर टेस्ट के अंदर करारा जवाब मिलेगा जब देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी को महाराष्ट्र के चुने हुए विधायक अल्पमत में होने के कारण बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और कल के निर्णय के बाद वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है, क्योंकि संविधान और सत्य की जीत ही आखिर में होगी। मैं अब अनुरोध करूंगा, इससे पहले कि मैं इंग्लिश में कहूं, आदरणीय और सवाल भी हम लेंगे आपके, आदरणीय पृथ्वीराज चौहान साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, कि वो अपना पक्ष आपके समक्ष रखेंगे, और श्री मुकुल वासनिक जी। वी विल जस्ट वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स। साथियों, इस मुकदमे का सवाल बहुत सीधा और आसान है। आज महाराष्ट्र में एक नाजायज सरकार और एक नाजायज मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, ये साफ है। जैसे कि सूर्जेवाला जी ने कहा कि मेरे पास, मेरे हाथ में तीनों दलों के, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के 154 विधायकों के अलग अलग एफिडेविट्स है, साइंड एफिडेविट है कि हम एक साझा सरकार बनाना चाहते हैं शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में। एक और साफ बात है कि कुछ विधायकों ने, एनसीपी के कुछ विधायकों ने दोनों जगह साइन की है। पहले जो सिग्नेचर है वो गलती से उनकी अनुमति के बिना दिए गए हैं और अब उन्होंने हमें अपने खुद के इंडिविजुअल एफिडेविट्स दिए हैं। एक इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है कि असलियत जानने के लिए फ्लोर टेस्ट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दोनों दलों ने फ्लोर टेस्ट स्वीकार किया है, न्यायालय से है जो जल्दी से जल्दी फ्लोर टेस्ट कराएं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है कि बहुमत का फैसला सिर्फ विधानसभा के सभागृह में ही हो सकता है। हमें उम्मीद है कि कल जब सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला सुनाएगी, दोनों पक्षों की दलील सुनी जाएगी और अधिक समय दे देते हुए कल के कल 24 घंटे के अंदर
सदस्यों की शपथ और उसके तुरंत बाद सीधे जनमत का फैसला फ्लोर पे किया जाएगा। हम 24 घंटे रुकेंगे, 24 घंटे रुकेंगे, कल 10:30 बजे हम सुनेंगे कौन सा फैसला है। वेरी 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 ब्रीफली मराठी, श्री मुकुल वासनिक जी विल से समथिंग फॉर आवर मराठी फ्रेंड्स। मागील काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये जो घटनाक्रम सुरू आहे त्यातून स्पष्टपणे दिसून येत आहे की भारतीय जनता पार्टीने अजित पवाराला सोबत घेऊन महाराष्ट्रामध्ये लोकशाही आपल्या पायाखाली तोडवण्याचा प्रयत्न त्यांनी सुरू केला। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या माध्यमातून आम्ही सुप्रीम कोर्टासमोर आमचं सर्व म्हणणं मांडलेलं आहे। दुसऱ्या बाजूने देखील केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून त्यांचंही म्हणणं आता सुप्रीम कोर्टासमोर आहे आणि आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की उद्या 26 नोव्हेंबर देशामध्ये 1949 साली भारतीय घटना समितीसमोर घटनेला मंजुरी 26 नोव्हेंबरच्या दिवशीच प्राप्त झाली होती।